हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स के इस कोर्स में, जिसमें हम देख रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ऑक्टल नंबर क्या होते हैं। ऑक्टल नंबर्स वो नंबर सिस्टम है जिसमें सिम्बॉल्स 0 से 7 तक होते हैं, यानी टोटल मिला के 8 सिम्बॉल्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डेसिमल नंबर सिस्टम वो है जिसमें 10 सिंबल होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो जब ऑक्टल नंबर सिस्टम से हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आप एक बेसिक बात को समझिए। जैसे एक नंबर मैं लिखता हूँ 256, अगर मैं कहता हूँ कि ये नंबर बेस 8 में है, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जब हम गिनती करते हैं ना, तो कैसे होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के बाद 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, क्योंकि इसमें 8 ही सिंबल है। तो 7 के बाद आ जाता है वापस से 0 और 1 हो जाता है कैरी। तो 7 के बाद सीधा आ जाता है 10। ऐसे करते हुए जब ये 17 तक पहुंचेगा, तो 17 के बाद, क्योंकि 7 के बाद वापस से 0 आना है और एक कैरी होना है, तो ये हो जाएगा 20। इसी तरीके से 27 तक जब पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद अगली स्टेप होगी 30। तो नंबर सिस्टम इस तरीके से चलता है, यानी हर एक प्लेस पे 8 सिंबल्स आएंगे। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर मैं लिखता हूं 413, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 10 सिंबल्स जब पूरे हो जाएंगे 0 से लेकर 9 तक, तो वापस से यहां 0 आएगा और 1 कैरी होगा। तो इसी लिहाज से अगर हम बात करें इस 5 की, तो ये 5 का मतलब क्या है? इस 5 का मतलब ये है कि यूनिट प्लेस पे 8-8 सिंबल का एक एक राउंड 5 बार हो चुका है। यानी आप जब प्लेस वैल्यू बोलते हैं, जब डेसिमल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिट्स प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, इसको बोलते हैं 100 प्लेस। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि 3 में आप प्लस करते हो 1 × 10 का, और प्लस करते हो 4 × 100 का। क्यों 100 का? क्योंकि इस 4 का मतलब है कि यहां पर जो टेंस प्लेस वाला है, उसके सारे 10 सिंबल्स हो चुके हैं, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक हो चुका है। तो एक्चुअल में इस 4 का मतलब होता है 400 राउंड हो चुके हैं, ठीक है, 401 राउंड में 0 से 9 तक सिंबल है। इसी प्रकार से यहां पर इस 5 का मतलब क्या हुआ? इस 5 का मतलब हुआ कि 0 से 7 तक का एक राउंड होता है, और ऐसे 5 राउंड हो चुके हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो 6 है, ये यूनिट प्लेस पे है, तो 8 पावर 0। ये जो 5 है, ये 8 पावर 1 पर है, यानी 8 सिंबल का एक राउंड है और ऐसे 5 राउंड हो चुके हैं। इसी प्रकार से जब 2 की बात करेंगे, तो 2 × 8 पावर 2, दैट इज 64। तो इस तरीके से हम नंबर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में यही चीज क्या हो रही थी, 4 × 100, 1 × 10 और 3 × 1। तो अब जरा इनको ऐड कर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 128। इसी प्रकार से 5 × 8 करेंगे तो ये हो जाता है 40। और 6 × 1 करेंगे, 8 पावर 0 होता है 1, तो 6 × 1 करेंगे तो 6 आएगा। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाता है, 174। तो यस, इट इज 174। तो ये हमने निकाल लिया है बेस 10 में। तो जो ओरिजिनल नंबर था 256, वो बेस 8 में था और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया बेस 10 में। एक और एग्जाम्पल इसी मेथड से करते हैं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 45। 45 मान लीजिए बेस 8 में है और इसे मुझे बेस 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि 5 यूनिट प्लेस पे है, तो इसका मल्टीप्लाई 8 पावर 0 से होगा। 4 इसका मल्टीप्लाई 8 पावर 1 से होगा, तो 4 8 32 प्लस 5 × 1, 8 पावर 0 क्या हुआ, 1, तो 5 × 1, तो ये आ गया 37। तो 37
इसका इक्वलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूं जो मुझे ज्यादा सिंपल लगता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 45 का मुझे कन्वर्जन करना है, 45 बेस 8 में है, इसका मुझे कन्वर्जन करना है। मैं इसको पहले, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी सिस्टम में, और बाइनरी सिस्टम से कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो 45 जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में था, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं पिछले वीडियोज़ में हम देख चुके हैं कि हर एक ऑक्टल डिजिट को मुझे 3 बिट से रिप्रेजेंट करना होता है। तो जैसे 4 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा 100, ये 4 होता है। 5 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा 101। देखिए कितना सिंपल है, ये बाइनरी हो चुका है 45 का। अब बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, उसका वीडियो भी आप देख चुके हैं, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर बस 2 की पावर हमको देखना है, 2 की पावर यहाँ पर ये 1 है, 2 की पावर यहाँ पर ये 2 है, यानी 4, और 8 नहीं लेना है, 16 नहीं लेना है, 32 लेना है। तो 32 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 37, यस। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, मुझे ये तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है, सिंपल लगता है, लेकिन आपकी चॉइस है। अगर आपको पहला वाला तरीका पसंद आ रहा है तो आप पहले वाले तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे अब मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लेता हूँ, और लेट्स से नंबर है 142, ये बेस 8 में ले रहा हूँ मैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम है 142, ठीक। और फिर एक नंबर ले लूँगा 236, ठीक है, और एक नंबर ले लेता हूँ 513, ठीक है। अब इनको मैं कन्वर्ट करता हूँ, लेकिन मैं इनको पहले कन्वर्ट करूँगा किस में, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा पहले बाइनरी में, और बाइनरी के बाद उसको कन्वर्ट कर लूँगा मैं डेसिमल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट होगा। 1 का होता है 001, 4 का होता है 100, और 2 का होता है 010। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ, तो आप देखिए ये प्लेस वैल्यू देख लीजिए, ये हो जाएगा 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो 64 और 32 होता है 96, 96 और 2 होता है 98, तो ये देखिए 98 आ गया। तो बेस 10 में कितनी आसानी से हमने कन्वर्ट कर लिया। इसी प्रकार से अगला नंबर है 236, तो 236 का बाइनरी करें, 2 को क्या लिखेंगे 010, तो 10 लिख लेता हूँ, 3 को लिखते हैं 011, 6 को लिखते हैं 110। देखिए कितना सिंपल है। अब इसके बाद इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप लिखते हैं 2 की पावर्स, देखिए ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, उसके बाद फिर 32 छोड़ दीजिए, 64 छोड़ दीजिए, 128 ले लीजिए। तो 128 और 2 हो जाता है 130 और 16 और 4 यानी 150 158, तो 158 इसका आंसर हो गया बेस 10 है, सिंपल। चलिए एक और करके देखते हैं, 513 और बड़ा नंबर है, तो 513 को करते हैं। 5 का बाइनरी क्या होगा, 5 का बाइनरी होता है 101, 1 का बाइनरी क्या होता है 001, और 3 का बाइनरी क्या होता है 011, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो सबसे पहले 2 की पावर्स देखिए, 2 की पावर है तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 4 नहीं लेना है, 8 ले लीजिए, 16, 32 छोड़ दीजिए, 64 ले लीजिए, 128 छोड़ दीजिए, 256 ले लीजिए। 128 के बाद क्या आता है 256, तो 256 और 64 को जोड़ेंगे तो 320 हो जाएगा, 320 और ये 10, 802 है ना, 320 और 10, 331, तो यस 331 ये आ गया बेस 10। तो मुझे पर्सनली ये तरीका ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पेन नहीं है, बहुत इजीली कन्वर्जन हो जाता है। बाकी अगर आपको पहला वाला तरीका पसंद आ रहा है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको पूछना है या कुछ कहना है तो आप कमेंट्स के जरिए बात कह सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysergy.com, इस वेबसाइट पर आपको ढेर सारे वीडियोज़ मिलते हैं,
कई सारे वीडियोस मेरे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर रखे हुए हैं, तो वो सबका लिंक आपको इजीली मिल जाता है। कई सारे कोर्सेज हैं जिनको आप यहाँ पे सीख सकते हैं, सी सी प्लस प्लस जावा पी एच पी MySQL डेटा स्ट्रक्चर DBMS वर्डप्रेस या वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारे। इसके अलावा यहाँ कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है काफ़ी सारी, प्रोजेक्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे स्टफ आपको इसमें मिलता है और रेगुलरली इसमें कंटेंट अपलोड हो रहा है, डेली इसमें एक नया वीडियो पब्लिश हो रहा है। तो आई होप ये आपके बहुत काम का हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज है, हिंदी में सारे वीडियोस हैं इसी तरीके से जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे। इसके अलावा क्योंकि डेली इसमें पब्लिश हो रहा है तो कंटेंट भी बहुत सारा है, और इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक जुड़ चुका हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको शेयर भी करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदी में इन वीडियोज़ का लाभ मिल सके। थैंक यू।